बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप भाई को साथ आज मैं शेयर करूंगा। देख लें, पहले मोबाइल देख लें आप, वीवो वालों का Y51, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आप भाई के साथ। ये मोबाइल भी शेयर करता हूं। अगर आपको ये सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इसका यानी कि क्या प्राइस चल रहा है, डिस्काउंटेबल और किसी शॉप वगैरह में मॉल वगैरह में इसके क्या प्राइस हैं, डिस्काउंटेबल प्राइस भी आपको बता देता हूं। और ये मोबाइल आप भाइयों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए या किन बंदों को ये लेना चाहिए, तो ये तमाम तर डिटेल आप भाइयों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर वीवो के साथ। तो ये रखा जी आपके सामने वीवो वालों का। वीवो वालों के मोबाइल अभी सऊदी अरबिया में काफ़ी सेल हो रखे हैं, लेकिन ये मैं आपको भाई अनबॉक्सिंग करके इसकी दिखाऊंगा। इसकी वीडियो आपके साथ पहले भी एक मैं छोटी सी शेयर कर चुका हूँ इसके भाई ग्लास के मुतल, लेकिन आज आप भाइयों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगा। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज इसके ऊपर लिखा हुआ बॉक्स के। अगर बॉक्स के बैक साइड से बात करें तो बैक साइड भी आपके पास बैक साइड पर कुछ डिटेल लिखी हुई है इसके मुतलक, कैमरे वगैरह के मुतलक, इसकी भाई बैटरी के मुतलक, फास्ट चार्जिंग के मुतलक, लाउड स्पीकर के मुतलक। नीचे से बात करें तो आप देख रखे होंगे यहां पर वीवो वगैरह लिखा हुआ है, मेड इन चाइना है जी। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, ये मेड इन चाइना कंपनीज हैं। इनमें भाई मेड इन इंडिया या किसी भी और कंट्री का नाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेड इन चाइना लिखा होता है। बॉक्स अब मैंने ओपन कर लिया, ये मोबाइल आपके सामने है। मैं इसको पहले ऑन करके इसकी थोड़ी सेटिंग कर चुका हूं, लेकिन अभी मोबाइल को ऑन करते हैं, इसको रखते हैं साइड पर, तो आपको बॉक्स के अंदर से जो दूसरा मटेरियल निकलता है वो आपको दिखाता हूं। फिर आप भाइयों के साथ इसके प्राइस भी शेयर करूंगा सऊदी अरेबिया में मार्केट वगैरह में या डिस्काउंटेबल में ये कितने का सेल हो रखा है। इसके अंदर से एक सिम निकालने वाली पिन है, बाकी आपको भाई गाइडलाइन मिल जाएगी मोबाइल के मुतल डिटेल के साथ। नीचे चलते हैं जी। एक मुझे चीज़ वीवो और ओप्पो में बेस्ट लगती है जी, आप यकीन कीजिए, एक तो ये कि अक्सर इनके भाई ग्लास ऊपर लगे होते हैं स्क्रीन के, दूसरा ये कि ये कवर देख लें जी, आपको इसमें आपको बैक कवर एक सिलिकॉन का कवर है, काफ़ी खूबसूरत है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा नरम भी नहीं है और बिल्कुल लाइट वेट है। मेरे हिसाब से बेस्ट है इसका ये कवर। 2 साल 2.5 साल इतनी देर में तो भाई आप मोबाइल सेल कर देते हैं रीयूज़, या वैसे ही भाई मोबाइल फारग कर देते हैं, फारग हो जाता है यार, सीधी बात है। बात कर लेते हैं चार्जर के मुतलक, तो आपको भाई मैं क्लियर कर दूँ, 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के अंदर से ओरिजिनल मिलेगा। इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है आपके मोबाइल को, मेरे हिसाब से ये 30 मिनट में भाई ये 65 यानी कि 65 से 70% चार्ज कर देगा। तो डाटा केबल की अगर बात करें तो आपको टाइप सी की इसमें डाटा केबल मिलेगी, वो पुराने वाला मॉडल नहीं है जी, अभी जैसा कि पहले होता था वो सैमसंग वगैरह के जो मॉडल थे, टाइप सी की केबलें आ रखी हैं अभी, फास्ट चार्जर आ रखे हैं 18 वाट 65 वाट के, ये 18 वाट का फास्ट चार्जर है जी। आपको हैंड फ्री भी इसके अंदर से मिल जाएगी, बिल्कुल सैमसंग जैसा डिज़ाइन है, लेकिन अच्छी बात है चलो जी हैंड फ्री रखी तो है इन लोगों ने, बाकी बहुत सी कंपनीज आपने देखी है हैंड फ्री ही नहीं अभी बॉक्स के अंदर से मिल रही है। तो चलते हैं जी मोबाइल की लुक देख लें सेल्फी। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो आपको मैं बता दूँ 6 या 58 इंच का इसका डिस्प्ले है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यू टाइप रखा गया है, भाई डिस्प्ले के अंदर इसका उन यानी कि आप बोल रहे हैं कि यू टाइप का डिस्प्ले है आपको कैमरा है जी, आपको डिस्प्ले के अंदर इसका कैमरा नहीं मिलेगा। तो बैक साइड से अगर इसके कैमरों की बात करें जिनमें मेन कैमरा 48 MP का रखा गया है, बड़े टाइप का आप देख रखे होंगे, 8 MP का अल्ट्रावाइड प्लस 2 MP का मैक्रो, 1080+4K वीडियो भी आप भाई इनसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे वाली साइड से बात करें तो आपको स्पीकर ग्रिलिंग मिल जाएगी, चार्जिंग की जगह मिल जाएगी, और एक अच्छी चीज़ मुझे जो लग रही है इसमें वो है जी हैंड फ्री लगाने की जगह। बहुत से मोबाइल में आपको पता ही अभी हैंड फ्री लगाने की जगह ही गायब कर दी गई है। साइड पर ही आपको पावर ऑन ऑफ और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, इसके साइड पर ही रखा गया है। वॉल्यूम अप डाउन के बटन भी रखे गए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सिम निकालने की जगह, और आपको भाई बता देता हूँ कि इसमें आप एक सिम या दो सिम या मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया ऊपर वाली साइड पर ये सिस्टम रखा गया है जी इसका सिम निकालने और लगाने का, के 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज इसके बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ था। अभी मैंने निकाली, आप इसमें भाई देख ले ड्यूल सिम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अदद मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं जी मेरे भाई, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक भाई सिलिकॉन की लाइन लगाई गई यानी कि रबड़ बोर्ड या रखी गई है, इससे क्या होता है कि मोबाइल में भाई पानी नहीं जाने के बहुत कम चांस होते हैं। हालांकि इस पर कोई खर्चा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी जो इसे रखती है बहुत ही अच्छी बात है। अभी बात कर लेते हैं इसके भाई कैमरे के मुतलक, आपको मैं सेल्फी कैमरा दिखा रहा हूँ, देख लें बेस्ट है मेरे हिसाब से यार, और बैक कैमरा भी आपको चेक करवा रहा हूँ मैं, बैक कैमरे का रिजल्ट भी काफ़ी मुझे पसंद आ रखा है। 48 MP का इसका बैक कैमरा है और मैंने इससे कुछ अपनी सेल्फी वगैरह भी ली हैं, शायद मैं यहाँ पर वो भी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से बेस्ट है इसका जो भाई कैमरे का रिजल्ट है ना सेल्फी का और बैक कैमरे का, उसमें थोड़े कलर आपको ज़्यादा मिलेंगे पिक्चर वगैरह में तो, लेकिन ये एक मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। ओप्पो वगैरह में वीवो वगैरह में ये भाई इनके कैमरा में ये एक फैसिलिटी बोल रहे हैं आप रखी जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अभी
बात कर लेते हैं इसके सेल्फी कैमरे के मतलब 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा HDR 180 आप उससे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब ये इसके प्राइस की बात कर लेते हैं जी, अगर इसके भाई प्राइस की बात करें तो आपको ये मार्केट वगैरह में इस वक्त भी 949 रियाल से लेकर 1000 रियाल के अराउंड में मिल रखा है। लेकिन ये एक शॉप से हमने खरीदा है, वहाँ पर इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 949 रियाल थे, यानी कि 950 के अराउंड में हमें मिला है। अच्छा, कुछ शॉप पर ये अवेलेबल था 1000 रियाल में, लेकिन उसके साथ आपको हमें एक भाई गिफ्ट पैक मिल रहा था जो कि इसके साथ अलहदा से था, लेकिन हमने ये 949 रियाल में लिया है। मार्केट वगैरह में भी इसका यही रेट है, और अगर कहीं डिस्काउंट पर लगा हुआ तो वहाँ पर भी इसका यही रेट चल रहा है।